दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ कमेंट में जाके हैप्पी न्यू ईयर 2022 ज़रूर से लिख देना आज वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और कमेंट में बताना कि हैक की, है की गत में आप कमेंट दबा के जितना कमेंट आप करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं हर कॉमेंट का रिप्लाई मैं आपको दूंगा और आप सभी को मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर दें आज नए साल का जो लास्ट का दिन है सॉरी मतलब पुराने 2021 का लास्ट का दिन वीडियो में आपको बीट म्यूजिक के साथ न्यू साल का हैप्पी न्यू ईयर का स्टेटस एड करना सिखाने वाला हूं तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आपको सिखा हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप क्लिक करके अलाइट मोशन को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर मैं आपको एक प्रोजेक्ट देने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको क्लिक करके उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है बीट मार्क वाला बीट मार्क का प्रोजेक्ट देने वाला हूं तो क्लिक करके आपको उसको ओपन कर लेना है ताकि आपको आसानी होगी फोटो डालने में और पता चल जाएगा अभी कहाँ पर आपको नाम लारिक्स डालनी है ताकि आप आसानी से स्टेटस को बना सकते हैं तो सबसे पहले आप उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे तो बात आती है आप उस प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट कहाँ से करेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल मटेरियल का लिंक मिल जाएगा उस पर सिंपल से उस लिंक पर आपको क्लिक करना है मोबाइल के किसी भी एक ब्राउजर में आप के आपको ओपन हो अंदर आपको स्लाइड बीट मार्क का प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा सॉन्ग बीट मार्क लिखा हुआ होगा उस पर आपको क्लिक करना है सिंपल से आप डायरेक्ट ओपन हो जाएंगे अलाइड मोशन एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर उस प्रोजेक्ट को आपको क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना है अगर आपके प्रोजेक्ट इंपोर्ट नहीं होता है आपके मोबाइल फोन में आपके अलाइट मोशन में तो मैं आपको एक्सएमएल प्रोजेक्ट भी दे दूंगा जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सेंड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर ज्वाइन हो सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर और आपको नॉर्मल प्रोजेक्ट वहां से भी दे दूंगा तो आप क्लिक करके आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं तो यहां पर उस प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लेता हूं आपको इम्पोर्ट पर क्लिक करना है इस प्रोजेक्ट को आपको ओपन कर लेना बीट मार्क वाले को जोगी का आप कुछ इस तरीके से मिल जाएगा एक प्रोजेक्ट और मिलेगा जिसके अंदर आपको स्नैक इफेक्ट मिल जाएगी यानी कि जो फोटो के अंदर कौन कौन सी इफेक्ट मैंने यूज किए वो सारी आपको उस प्रोजेक्ट

यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है मीडिया पर आपको इस तरीके से फोटो मिल जाएगा सेलेक्ट करने के बाद आप तो थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे और फिल कम्पन एरिया आपको कर लेना है उसके बाद आपको तो आगे आना है इस फोटो के साइज आपको इस पॉइंट तक रखनी होगी इस पॉइंट तक तो आप इस पॉइंट पर जाएंगे उसके बाद आप जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फोटो की साइज उतनी हो जाएगी और मूव एंड ट्रांसफर इस फोटो को बिल्कुल बीच में सेड कर लेंगे अब आप इस पॉइंट पर जाने के बाद वापस प्लस पर क्लिक करेंगे मीडिया पर क्लिक करेंगे दूसरा फोटो यहाँ पर आप ऐड करेंगे उसके बाद थ्री लाइन पर क्लिक करके फिल कॉम्पेशन एरिया करेंगे और आप वापस आप स्लाइड करेंगे साइड में और इस फोटो की साइज़ इस पॉइंट तक रखनी होगी इस पॉइंट पर जाएंगे जस्ट आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इसकी साइज उतनी हो जाएगी वापस आप आ जाएंगे प्लस पर क्लिक करेंगे मीडिया पर क्लिक करेंगे तीसरा फोटो ऐड करेंगे उसके बाद फिल कॉम्पोजन एरिया कर लेंगे इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेंगे और इसकी साइज़ आप इस पॉइंट तक रख लेंगे इस तरीके से उसके बाद आपको इसी तरीके से सारे फ़ोटो को आपको ऐड करना है यहाँ पर सारे बीट मार्क लगा रखिए ताकि आपको आसानी होगी तो सारे फोटो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ऐड कर लेने हैं मैं सारे फोटो को ऐड कर लेता हूँ ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बच जाएगा आपको इन पॉइंट के हिसाब से फोटो को ऐड कर देने हैं मैंने यहाँ पर सारे फोटो को स्टेप बाय स्टेप ऐड कर दिया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से बीट आ रही है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर सारे फोटो को ऐड कर दिया है अब आपको यहाँ पर इफेक्ट ऐड करनी होगी इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है उस प्रोजेक्ट में जाना है जो कि मैं आपको दे दूंगा स्नैक इफेक्ट वाला तो आप उस प्रोजेक्ट को क्लिक करके इम्पोर्ट कर लेना आपको जाना है उस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर इफेक्ट मिल जाएगी तीन फोटो की इफेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी तो फर्स्ट वाली जो इफेक्ट आपको क्लिक करना है इफेक्ट पर क्लिक करना है और थ्री लाइन पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है वापस आपको उसी प्रोजेक्ट में आ जाना है आने के बाद जो प्रोजेक्ट अभी हम बना रहे हैं यहाँ पर जो फर्स्ट में हमने फोटो ऐड किया इस पर आप इस इफेक्ट को पेस्ट करेंगे इस पर आपको इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है ओके उसके बाद आपको दूसरा जो फोटो है उस पर भी आपको इसी इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है उसके बाद जो तीसरा वाला जो फोटो है उस पर भी आपको इसी इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है तो वाले फोटो पर भी आपको इसी इफेक्ट को पेस्ट कर देना है अब आपको जाना है वापस उसी प्रोजेक्ट के अंदर इसमें जाएंगे आप जो सेकंड इफेक्ट है उसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे जो कि बीच में मिल जाएगी इस पर क्लिक करना है इफेक्ट पर क्लिक करना है थ्री लाइन पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है वापस आपको उसी प्रोजेक्ट में आ जाना है आने के बाद आप वापस जाएंगे जहाँ से हमने फोटो को छोड़ दिया था उस पर आप इस इफेक्ट को पेस्ट करेंगे इनमें तो हमने इफेक्ट को पेस्ट कर दिया यहाँ से अब आप उस फोटो पर इफेक्ट को पेस्ट करेंगे 20 सेकंड से ठीक है इस फोटो पर क्लिक करेंगे इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे उसके बाद आप आगे जाएंगे इस सॉरी यहाँ पर बीट हट गई तो यहाँ पर इस फोटो के अंदर में इफ़ेक्ट लग चुकी है आगे जो फ़ोटो है इसमें आपको इफेक्ट नहीं लगानी है दूसरे फोटो पर क्लिक करना इस पर आपको इफेक्ट लगा देनी है यानी कि एक फोटो को छोड़ के दूसरे फ़ोटो पर आपको इसी इफेक्ट को लगा देनी है लास्ट के अंदर भी आपको इसी इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देनी है अब आपको, अब आपको क्या करना है यहाँ पर हमने देखिए एक फ़ोटो के अंदर छोड़ के दूसरे फ़ोटो के अंदर उसी इफेक्ट को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया अब आपको क्या करना है तो जो बच गई है वापस आपको उस प्रोजेक्ट में जाना है लास्ट में जाना है और ये जो फोटो है इस पर आपको क्लिक करना है इफेक्ट पर क्लिक करना है थ्री लाइन पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है वापस आप उस प्रोजेक्ट में आ जाएंगे आने के बाद जो फ़ोटो अभी हमने छोड़ दिए हैं उन इफेक्ट उन फोटो पर आपको इसी इफेक्ट को पेस्ट करना है यानी कि इन फोटो पर हमने इफेक्ट को लगा दिया है और इस फोटो पर भी हमने लगा दिया बट इस फोटो पर इफेक्ट नहीं है इस पर आपको क्लिक करना है इफेक्ट पर क्लिक करना है थ्री लाइन पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है और वापस आपको अगले प्रो फोटो पर जाना है और इस फ़ोटो पर भी आपको उसी इफेक्ट को पेस्ट कर देना है यानी कि जिन जिन फोटो पर हमने इफेक्ट को पेस्ट नहीं किया है उन फ़ोटो पर आप इस इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो चुका है और जहाँ से फ़ोटो स्टार्ट हो रही है वहाँ पर आप आ जाएंगे आने के बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है ये वाली शेप ले लेनी है थ्री लाइन पर क्लिक करके फिल कॉम्पोसन एरिया कर लेना है उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जाना है यहाँ तक हमारी लार्क्स से उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आपको कलर एंड फिल पर क्लिक करना है यहाँ से आपको थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद आपको नीचे वाइट कलर रखना है ऊपर आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से और यहाँ पर आपको वाइट कलर को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं अब आपको करना क्या है यहाँ पर आपको ब्लैक कलर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको बीच में क्लिक करना है इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देना है तो यहाँ से ब्लैक कलर हट जाएगा वाइट कलर को थोड़ा सा आप इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से उसके बाद आपको यहाँ से आगे आ जाना है तो जहाँ से हमने सैप ऐड की यहाँ पर आप आ जाएंगे यहाँ से हमने सैप को ऐड किया है अब आपको यहाँ पर 2022 का एक पी नेम वाला इमेज ऐड करना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है आगे आने के बाद प्लस पर क्लिक करना है मीडिया पर क्लिक करना है व्यू ऑल पर आपको क्लिक करना है यहाँ से आप उस पी इमेज को यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद ऐड करेंगे तो प्लस पर क्लिक करना है तो इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगी मूव एंड ट्रांसफर से आप इसको पकड़ कर ये जो वाइट कलर है इस पर आप लेकर आएंगे इमेज को उसके बाद आप यहाँ से इसको जूम आउट कर देंगे इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बीच में सेट कर देंगे उसके बाद इस फ़ोटो पर आपको क्लिक करना है बिल्कुल लास्ट में जाना है यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में जाएंगे आप और आगे आएंगे जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो इसकी साइज़ फुल स्टेटस जितना है उतनी हो जाएगी अब आप वापस फर्स्ट में आएंगे जहाँ से हमारी यहाँ पर फोटो ऐड किया तो हमने यहाँ से फ़ोटो ऐड किया वापस आप यहाँ से आगे आएंगे प्लस पर क्लिक करना है मीडिया पर क्लिक करना है व्यूअल पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर मैं आपको एक टैंपलेट देने वाला हूँ उस टैम्पलेट को आप सेलेक्ट करके ऐड करेंगे जो कि कुछ आपको इस तरीके से मिल जाएगा उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक पर क्लिक करना है टैम्पलेट आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा टैम्पलेट पर क्लिक करना है थ्री लाइन पर क्लिक करके फिल कॉम्पोसन एरिया कर लेना है ब्लाइडिंग एंड पर क्लिक करना है लाइटन पर क्लिक ना और स्क्रीन पर आपको क्लिक कर देना है अब आपको बिल्कुल लास्ट में जाना है तो जहाँ तक हमारा स्टेटस उतरना चाहेंगे तो इस पॉइंट तक हमारा स्टेटस है उसके बाद फालतू टैम्पलेट को आप पीछे से हटा देंगे

बंद कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आगे जाना है देख लेना है यहाँ पर ये यह बिल्कुल फिट आ जाएगी जहाँ से हमने फोटो को ऐड किया तो वहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पर ये यह बिल्कुल फ़िट आ चुकी है और यहाँ से मैंने तो यह फ़ोटो को ऐड किया है तो आप इस वाले पॉइंट पर आएंगे उस बाद इस वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो उसकी साइज़ यहाँ पर हो जाएगी बरबर अब आपका स्टेटस पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट बन चुका है अगर आप अपनी वोटरमार्क कुछ भी ऐड करना चाहते हैं या अपने भी फ़ोटो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं जो कि मैंने लड़की की फ़ोटो ऐड की अगर आप उनकी जगह अपने फोटो भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सेटिंग के पास वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना, है वीडियो को सेलेक्ट करना है नीचे आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है